नमस्कार छात्रों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विवेक यादव जी ने, जो हमारे स्टूडेंट हैं, इन्होंने हमारा वीडियो देखा होगा और लगातार देख रहे हैं। इन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं जो सेंट्रल टीटी से रिलेटेड हैं और उन सवालों का हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये तीन चार सवाल हैं, इनको हम पढ़ेंगे, चारों ऑप्शन बताएंगे और उनके सही आंसर को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन और आंसर के जो टेक्निकल टर्म होंगे उनको भी हम बताएंगे। तो पहला जो इनका सवाल है, पहला क्वेश्चन है, वो ये है, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, यानी ये आरटीई एक्ट 2009 दिव्यांग बच्चों की निशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। ये सेंट्रल टीटी प्राइमरी में पूछा गया सवाल है, 2018 में आया था। तो ये निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा में प्रत्येक बच्चे को, जो 6 से 14 साल का सामान्य बच्चा है और जो दिव्यांग बच्चा है उसको 6 से 18 साल के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी कक्षा 8 तक की पूरे भारत में शिक्षा देने का प्रावधान है। ये आर्टिकल नंबर 21A में मेंशन किया गया है, तो ये क्लियर होना चाहिए। संविधान संशोधन के द्वारा इसको बदला गया था, आरटीई एक्ट लाया गया था 2009 में और 1 अप्रैल 2010 में पूरे भारत में इसको जम्मू एंड कश्मीर छोड़ करके लागू कर दिया गया था। तो सवाल सीधा सा है, बड़ा आसान सा सवाल है, कंफ्यूज हो सकते हैं लोग। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। पहला ऑप्शन है 3 से 18 वर्ष, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। 6 से 14 वर्ष तक ये सामान्य बच्चों का प्रावधान है, 6 से 14 साल, लेकिन यहाँ सही ऑप्शन नहीं है, यहाँ दिव्यांग बच्चों की शिक्षा की बात की गई है। तीसरा ऑप्शन है 6 से 22 वर्ष, ये भी सही नहीं। फोर्थ ऑप्शन राइट है, 6 से 18 वर्ष तक के लिए। चौथा ऑप्शन इसलिए राइट है यहाँ पर क्योंकि यहाँ दिव्यांग बच्चों की बात की गई। ये भी सवाल इसी पेपर में आया था कि अब विकलांग बच्चे या डिसेबल बच्चे हैं या उनके अंदर कोई क्षति या क्षमता है, ऐसे बच्चों को दिव्यांग क्यों कहा जाता है। तो दिव्यांगता अधिनियम 2016 आया था, इसके तहत अब किसी भी डिसेबल बच्चे को विकलांग, हैंडीकैप नहीं कहा जाएगा, डिसेबल या स्पेशल या दिव्यांग कहा जाएगा, ये अधिनियम के तहत साथ में बताया। इनका दूसरा क्वेश्चन जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पर जो दूसरा सवाल है वो ये है, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए, विविध अधिगमकर्ता, विभिन्न प्रकार के अधिगमकर्ता, एक क्लास होती है, सबके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो विविध अधिगमकर्ता के लिए सुगम्य स्वरूपों में, सुगम्य स्वरूप जो बहुत आसान तरीके के प्रावधान हो, इजी हो, कंफर्ट हो, सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का तात्पर्य निम्न में से किस आधार पर सही है या कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ विविध अधिगम करता हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और क्वेश्चन गलत होने की संभावना यहाँ पर लोगों को ज्यादा है। तो पहले आप जानिए विविध अधिगम करता क्या होते हैं। तो विविध अधिगम करता वे अधिगम करता होते हैं, जैसे कोई क्लासरूम, क्लासरूम में विभिन्न जाति धर्म क्षमता वाले बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, ऐसी स्थिति विविध अधिगमकर्ताओं को बता, अधिगमकर्ता मतलब लर्नर या सीखने वाला, उसमें कोई भी हो आता है, स्टूडेंट भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, कोई भी हो सकता है, प्रौढ़ भी हो सकता है। तो विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्री यानी टीचिंग लर्निंग मटीरियल प्रदान करने का तात्पर्य डैश डैश से है। तो पहला ऑप्शन है शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिकता संहिता, शिक्षण व्यावसायिकता यानी जो जो टीचिंग प्रोफेशनलाइजेशन है उसका जो यूनिवर्सल लेवल पर एक गाइडलाइन बनाई गई है, जो मैनुअल बनाया गया है उसके लिए वो प्रावधान है। दूसरा है शिक्षण की सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण, तीसरा है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना और चौथा है सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार। यहां पर बड़ी कठिनाई होगी तीसरे और चौथे ऑप्शन को चूज करने में, यहां बहुत सारे लोग थर्ड ऑप्शन आपको बता देंगे जो कि गलत ऑप्शन है, यहां फोर्थ ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। क्यों फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, देखिए सार्वभौमिक,
समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार। हम आपको जो कल वीडियो बनाए हैं यानी एनसीएफ का टॉपिक नंबर जो 4 हमने आपको बना के दिया है, उसमें हमने इंक्लूसिव एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिफाइन किया है। तो उसमें बताया है कि चाहे जैसा बच्चा हो, चाहे 100% हैंडीकैप्ड हो, नॉर्मल हो, स्पेशल हो, कास्ट कोई हो, लैंग्वेज कोई हो, आया कहीं से हो, कैसा भी बच्चा हो, उसके सीखने की व्यवस्था को बनाने की बात की गई है। तो यहां पर जो विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूपों के शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य है, तो उसका यही कारण है चौथा ऑप्शन सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार। समावेशी व्यवस्था लागू तो कर दी गई कि कोई भी बच्चा वंचित न रह जाए सीखने के लिए, सीखने से वंचित न रह जाए। अब कोई ब्लाइंड बच्चा है जिसको सुनाई नहीं पड़ रहा है या दिखाई नहीं पड़ रहा है या कोई और प्रकार की समस्या, अब खाली एडमिशन लेकर के उसको क्लास में बैठा देने से कुछ थोड़ी होगा। सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा का नैतिक विचार यही होगा, जिसको सुनाई नहीं पड़ रहा उसको इक्विपमेंट, सहायता वाली, बोलने वाली किताबें या सुनने वाली किताबें या देखने वाली किताबें या कोई सुनने वाले इक्विपमेंट जैसे हेयरिंग एड वगैरह लगा दिए जाएं तो वो आसान महसूस करेगा। तो यहाँ जो अगला सवाल था या विविध अधिगमकर्ता वाले, उसमें 4th ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। एक इनका तीसरा सवाल है जो बड़ा सिंपल सा है लेकिन उसकी लैंग्वेज थोड़ा टेक्निकल है। स्वजागरूकता, स्वजागरूकता का मतलब होता है सेल्फ अवेयरनेस, स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण। स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, हमारे पिछले वीडियो देखेंगे तो उसमें संज्ञानात्मकता के बारे में हमने डिफाइन किया है। नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डैश डैश में अंतर निहित है। आपको पता है कि स्वजागरूकता और संज्ञानात्मक क्षमताएं, संज्ञानात्मकता की अगर हम बात करते हैं तो प्रोसेस ऑफ नॉलेज आ जाता है। प्रोसेस ऑफ नॉलेज में क्या होता है, चिंतन करना, डिफरेंट टाइप के थिंकिंग आइडियाज, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, या आप और डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी वहां पर कर सकते हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि संज्ञानात्मकता में वो सारी गतिविधि आती है, मानसिक गतिविधि आती है जो नॉलेज के अल्टीमेट इंड तक पहुंचाने में हेल्प करती है, या नॉलेज को या किसी प्रॉब्लम को साइंटिफिक तरीके से सोल्यूशन निकालने की प्रावधान से जुड़ी होती है। तो क्वेश्चन है स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डैश डैश में अंतर नहीं थे। तो पहला ऑप्शन संज्ञान बोधन, पहला ऑप्शन संज्ञान बोधन, इसका मतलब हुआ कॉग्निशन कॉम्प्रिहेंशन, संज्ञान बोधन बताएंगे यही सही ऑप्शन है। दूसरा है संज्ञान, संज्ञान केवल कॉग्निशन। तीसरा है समायोजन एडजस्टमेंट, और चौथा है केंद्रीकरण सेंट्रलाइजेशन। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं सही है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है संज्ञान बोधन। संज्ञान बोधन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ नॉलेज, और नॉलेज को कैसे हम यूटिलाइज करें कि हमारी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सलूशन निकल पाए। देखिए ज्ञान प्राप्त करने के विभिन्न तरीके हैं, या तो आप परसेप्शन में चले जाइए, या तो आप प्रमाण ले आइए, प्रत्यक्षीकरण कर लीजिए, प्रमाण ले लीजिए, या आप उपमान कर, उपमाना प्रमाना, ये सब प्रावधान है, फिलोसफिकल प्रोसीजर हैं जो नॉलेज को आइडेंटिफाई करते हैं। तो नॉलेज को बोध यानी कंप्रहेंशन लेवल पर ले जाना, कंप्रहेंशन को एप्लीकेशन और एप्लीकेशन को एनालिसिस, एनालिसिस को सिंथेसिस और सिंथेसिस के बाद इवैल्यूएशन तक पहुंचाना, इसको हम क्या कहते हैं संज्ञान बोधन कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन पहला है कॉग्निशन कॉम्प्रिहेंशन, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था। नेक्स्ट सवाल है इनका जो जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे डैश डैश कहा जाता है। जब बच्चे सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव, जैसे आपको कुछ इंफॉर्मेशन पता चले कि भूकंप आया है, तो भूकंप आया है तो आपको कुछ सूचनाएं मिली कि भूकंप पहले से आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है जाना, और आपका अनुभव है कि भूकंप में सब कुछ हिलने लगता है, जब इतना तेजी से हिलता है बिल्डिंग्स गिरने लगती हैं या और कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं। तो उनसे जब कोई तुम नए प्रकार का
चिंतन या सोल्यूशन निकालते हो तो उस प्रकार का जो चिंतन होता है, थिंकिंग होती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं, हम कह सकते हैं अपसारी चिंतन, या आप ऐसे कह सकते हो बहुविध चिंतन कह सकते हो, या गैर परंपरागत चिंतन कहते हो, या खुले अंत वाला चिंतन कह सकते हो। मतलब सृजनात्मक चिंतन या सृजनात्मक सोच कहते हैं जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो डैश डैश उसे क्या कहते हैं? तो उसे सृजनात्मक सोच कहते हैं। अमूर्त चिंतन होता है जिसका आप इंद्रियों से परसेप्शन मैक्सिमम ना कर पाए। जैसे हार्डवेयर आपका मूर्त है, सॉफ्टवेयर आपका क्या है? अमूर्त है। अब सॉफ्टवेयर में जो कुछ चल रहा है आप महसूस कर रहे हो, फील कर रहे हो, लेकिन कहो उसको गले लगा ले, परसेप्शन मैक्सिमम नहीं कर सकते उसका, अमूर्त। मूर्त कंक्रीट होता है जिसको आप छू सकते हो, जिसका मैक्सिमम परसेप्शन पॉसिबल है। और यहाँ है प्रतिक्रियावादी सोच, जैसे तुमसे कुछ कहा जाए और उसके बदले में कुछ कहो, तो इसको कहते हैं प्रतिक्रियावादी सोच। तो यहाँ भी आपका जो सही ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन है। विवेक जी ने ये 3-4 सवाल पूछे थे, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। ऐसे ही कठिन सवाल, देखिए सिंपल सवाल आप अपने घर में कर लेते हो जिनमें बहुत कंफ्यूजन होता है, किताबों में कुछ और लिखा है, आप मार्केट की किताबें पढ़ते हैं, यूट्यूब पर लोग और अलग अलग तरीके से बताते हैं, तो कभी कभार आपको बहुत कंफ्यूजन होता है। तो ऐसे ऑथेंटिक और अच्छे सवाल हमें हमारे ईमेल आईडी पर भेज सकते हो। ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, withbipin17@gmail.com, और PDF बना करके और फिर हम उनको देख करके एक छोटे से वीडियो में उन क्वेश्चन के डिस्कशन के सहित विद डिस्कशन हम सोल्यूशन आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।